हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ आवर टॉपिक ऑन नैनी एम्बेसी वीज़ा। टॉप क्वेश्चंस फॉर नैनी नर्सेस, आरएन, पीएन एंड जनरल एंट्रेंस नर्सिंग एग्ज़ाम्स। तो आइए आज बात करते हैं आरएन, पीएन या फिर नैनी नर्सेस और नर्सेस के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो आम तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में हमें पहले से कुछ पता हो या फिर हमने प्रेपरेशन की हो तो इसे हम थोड़ा सा इजी भी अपने लिए बना सकते हैं। जैसे कि मैं आगे बात करूँगी आपसे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में, तो जनरली पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये पूछा जाता है कि what drew you to the nursing professional and more specifically to the pediatric department? यानी कि आप pediatric department के बारे में क्या जानते हैं या फिर nursing profession के बारे में, nursing profession में क्यों आए? तो generally इसका जो answer है या reply है वो ये होता है कि I love kids। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसके अलावा आप उसकी जो जॉब है उसकी वैल्यू है उस पर फोकस कीजिए, उस पर हाईलाइट कीजिए और उसमें जो आने वाले चैलेंजेस हैं उन पे भी, और अपना एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है जॉब के दौरान उसे भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि पहले आपका कोई एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक, अगर आप पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो स्पेशली किड्स के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ऐसे पूछा जा सकता है आपको, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद किड्स? तो अगर बात करें किड्स की, तो एडल्ट्स के अगर कंपैरिजन किया जाए तो एडल्ट्स में और किड्स में बहुत सारा अंतर है, डिफरेंट है। इनकी केयर में, इनके जो न्यूट्रिशन है उनमें और इनकी देखभाल कैसे करनी है, हर एक बात में इनका अडल्ट से और चिल्ड्रन का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर बात करें स्टार्टर्स की या न्यू बॉर्न्स की या फिर इन्फेंट्स की जो कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से केयर दी जाती है। दूसरा, बच्चे जो हैं वो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उनके साथ सिर्फ खेला कूदा जाए, और जो आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ वो भी आपको इसमें शेयर करना होगा। और अगर आपसे ये बात कही जाए कि अगर आप व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पीडियाट्रिक नर्स, कि एक पीडियाट्रिक नर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो एक जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके लिए किड्स के साथ रहना, उसे अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा उसमें जेंटल, सेंसिटिव, कंपैशनेट, फ्रेंडली या फिर लाइकेबल जैसी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और इन्हें बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो एक पीडियाट्रिशियन है या फिर पीडियाट्रिक नर्स है उसे एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कम्युनिकेटर और ऑर्गेनाइज स्किल्स से वो भरपूर होने चाहिए। और आइए अब जानते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो कुछ फर्स्ट एड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हम यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट एडर की, तो फर्स्ट एड में फर्स्ट एड का ओरिजिनेटर कौन, हु इज़ द फर्स्ट एड ओरिजिनेटर? तो इस मार्क जो हैं वो ओरिजिनेटर थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट एड का ओरिजिनेटर का ही नहीं पता तो आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। आगे नेम ऑफ द नेम एसोसिएशंस फाउंडेड फॉर द फर्स्ट एड, यानी कि वो एसोसिएशंस जिन्होंने फर्स्ट एड की नींव रखी, तो उनमें कुछ सोसाइटीज़ के नाम हैं
जो कि है रेड क्रॉस सोसाइटी, सर जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशंस के जो नाम हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड की डेफिनेशन या फिर फर्स्ट एड का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपको रिप्लाई करना है कि इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर है जो कि एक्सीडेंट के दौरान किसी सफरिंग कैजुअल्टी को दी जाती है उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, उसके रिकवरी को प्रमोट करने के लिए कि जब तक उसके पास कोई मेडिकल एड पहुंच ना जाए। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल के फर्स्ट एड क्यों दी जाती है या इसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, एम्स क्या होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एड टू प्रिजर्व लाइफ, प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंट फर्दर इंजरी के आगे जो इंजरी है, जो हालात है वो ख़राब ना हो, उनको बचाने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट कैजुअल्टी टू द हॉस्पिटल या फिर मरीज को या जो पीड़ित है उसको हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए कि उसे आगे की जो मेडिकल एड है वो मिल सके। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड इन द डेली लाइफ, कि फर्स्ट एड की इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। तो इसके लिए हम ये आंसर दे सकते हैं कि टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, टू प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को सेम जो प्रिंसिपल्स में हमने कहा कुछ कुछ वही हैं, टू रिमूव कॉज, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो ये सब आंसर जो हैं हम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट एडर की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट एडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए जो कि कंडीशन को देख के ही पता चला ले कि पेशेंट को कौन सी मेडिकल एड पहले दी जानी चाहिए या फिर कौन सा ट्रीटमेंट उसका पहले करना चाहिए। एक्सक्विकली यानी कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय लेने वाला हो, एंड रिमेंस काम जो कि शांत रहे और ठंडे दिमाग से काम लेकर सारा जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दे सके। आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब हाउ द हाउ गुड यू आर एट द हैंडलिंग स्ट्रेस एंड वर्क प्रेशर, कि आप स्ट्रेस को और वर्क प्रेशर को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किड्स के साथ जॉब करनी या फिर किड्स के किसी किड के रिगार्डिंग जॉब करनी कोई इजी काम नहीं है। ये सिर्फ आप ये मत सोचिए कि फ़न गेम्स, कैंडीज़ या फिर हंसी मजाक है, इसके साथ साथ टेंट्रम्स यानी कि बच्चे का गुस्सा आ जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना किसी बात पर, टीयर्स, बच्चा रोता है, एग्रेशन, बच्चा गुस्सा होता है और इससे जुड़ी और भी कई बातें, या फिर बच्चे को कोई बच्चा बीमार हो गया है, इससे जुड़ी और भी बातें हैं कि जिनमें आप इन कंडीशंस को, इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो इनमें आपको सबसे पहले तो काम रहने की ज़रूरत है कि आपको आपका जो काम रहना है, कूल डाउन रह के सारा बच्चे को हैंडल करना है। तो इसमें सिर्फ नर्सिंग कैंडिडेट्स ही जो है स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए प्रिपेयर जो है प्रॉपरली होनी चाहिए और स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, और हर कंडीशन को आप कूल काम रह के ही हैंडल कीजिए तो बेहतर है। तो अगर बात करें एग्जाम एंट्रेंस में पूछे जाने वाले कॉमनली क्वेश्चंस की, तो अगर हम बात करें फर्स्ट एड की पीडियाट्रिक नर्सिंग में, तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्स्ट एड के बारे में, उसके बाद जैसे कि कॉमनली क्वेश्चंस हैं जो कि हैं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, तो वो है सेल, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स कॉल्ड, यानी कि बोन्स का जो फ्रेमवर्क है उसे क्या कहते हैं, वो है स्केल्टन, एंड हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, सो देयर आर 206 बोन्स। आगे आपसे पूछा जा सकता है कैन यू एक्सप्लेन हाउ बॉडी इज मेड अप फ्रॉम सेल, यानी कि सेल से बॉडी कैसे बनी, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए यस आई कैन टेल।
द सेल इज़ द बेसिक यूनिट, यानी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है. सेल यूनिट टुगेदर फॉर्म टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन्स. व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन टू परफॉर्म वन फंक्शन दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम यूनिट एंड द बॉडी इज़ फॉर्म. यानी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है और जो सेल है वो इकट्ठा होके टिश्यू बनाते हैं और जो टिश्यू है वो ऑर्गन बनाते हैं. और जो जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो उनका एक फंक्शन होता है, एक सिस्टम बनाते हैं. और ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम यूनिट से एक बॉडी जो है वो बनती है. तो अगर हम बात करें कि कैन यू नेम ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, के ऑर्गन सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी में उनके नाम के बारे में आइए जानते हैं. स्केल्टल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलरी, लिम्फैटिक, इम्यून, एंडोक्राइन, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम. तो अगर हम बात करें स्केल्टल सिस्टम की, तो स्केल्टल सिस्टम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इसके बारे में हो सकता है द फंक्शंस ऑफ द, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केल्टल सिस्टम. तो स्केल्टल सिस्टम सपोर्ट और शेप देता है हमारी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और जो मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं उसके लिए भी स्केल्टल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है. तो आइए आगे बात करते हैं ड्रेसिंग्स के बारे में. तो अगर हम बात करें ड्रेसिंग्स की, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि ड्रेसिंग में हम स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. तो स्टरलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसे हम डिफाइन करें, अगर इसकी हम परिभाषा करें, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जर्म से फ्री करते हैं और उनके स्पोर्स को भी इसमें नष्ट किया जाता है. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर अपने आसपास की चीज़ों को या फिर ड्रेसिंग्स को, किसी भी चीज़ को जर्म्स से फ्री करने की जो प्रक्रिया है और उनके स्पोर्स को भी ख़त्म करने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं. तो अगर हम बात करें स्टरलाइजेशन के मेथड्स की, तो उसमें है वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, यानी कि सोप एंड वाटर के साथ आप वॉश करके किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या फिर जर्म्स फ्री कर सकते हैं. सेवलॉन के साथ, स्पिरिट के साथ, बीटाडिन के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी हम क्लीन करके किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं. आगे बॉयलिंग मेथड है, यानी कि पानी में बॉयल करने के बाद 20 मिनट्स तक लगातार बॉयल करने के बाद हाई फ्लेम पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते. और ऑटोक्लेविंग जो है सबसे बेटर टेक्निक है, जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ स्टीमिंग में स्टरलाइजेशन जो है की जाती है. तो आइए अब बात करते हैं हम ड्रेसिंग्स के बारे में. तो ड्रेसिंग्स क्या है? तो ड्रेसिंग्स एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हमारे वूंड और इंजरीज़ को प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी या फिर जो पोल्यूशन है उससे और इन्फेक्शन से भी. तो अगर हम बात करें कि ड्रेसिंग्स कितने टाइप की होती है, ड्रेसिंग्स एडहेसिव है, नॉन एडहेसिव, रेडीमेड स्टरलाइज जो कि बनी बनाई स्टरलाइज की हुई बाज़ार से मिलती है, गॉस ड्रेसिंग यानी कि जो गॉस से बनी होती है, और एक वो ड्रेसिंग जिसे कि हम खुद प्रिपेयर करते हैं. आगे हाउ विल यू अप्लाई ड्रेसिंग्स, यानी कि आप ड्रेसिंग्स को कैसे अप्लाई करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहली जो है, सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए वॉश हैंड. तो कोई भी आपने प्रोसीजर करना है उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी यानी कि सोप एंड वाटर से अपने हैंड वॉश जो हैं अच्छी तरह से करें. उसके बाद जो ड्रेसिंग का इनर पार्ट है उसे आप टच नहीं करें, यानी कि अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं. और जब आप ड्रेसिंग कर रहे हों तो वूंड के ऊपर ना तो आप टॉक करें, यानी कि ना तो आप मुंह से बात करें और ना ही कफ करें. और ड्रेसिंग्स जो हैं वो कवर जो है कॉटन पैड्स रख के उसके बाद ही आप वूंड को कवर करें. और इसके साथ जो बैंडेज है वो अपनी पोजीशन में रहेगी, ड्रेसिंग जो है अपनी पोजीशन में रहेगी, बैंडेज अपनी पोजीशन में रहेगी और वहाँ से सरकेगी नहीं. तो आइए बात करते हैं बैंडेज की. तो बैंडेज क्या है? बैंडेज
What is the bandage? Bandage is a long piece of thin cloth which is wound around any injury, for example cotton bandage. जो bandage है वो एक long piece होता है किसी भी पतले कपड़े का, जिसे कि हम किसी wound के आजू बाजू dressing करते हैं. जैसे कि cotton bandage जो है वो सबसे ज़्यादा use की जाती है, for example. आगे हम जानते हैं कि जो bandage है उसके purpose क्या हैं, उसे क्यों हम apply करते हैं. तो एक तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से, वहाँ पर इसके साथ हम डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हैं. दूसरा, कोई सप्लिंट या फिर कोई जो बैंडेज है या फिर कॉटन पैड है वो अपनी पोजीशन पर ही रहता है. अगर स्वेलिंग है तो वो कम हो जाती है और आगे इन्फेक्शन और इंजरी का जो खतरा है वो कम हो जाता है होने का. तो आइए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स की. तो फ्रैक्चर्स क्या है, अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. तो इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे. फ्रैक्चर के कॉजेज हैं डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स, एक्सीडेंटल. यानी कि अगर बोन पर कोई डायरेक्ट फोर्स हो गया या फिर इनडायरेक्टली कोई फोर्स हुआ, यानी कि आपकी बोन कहीं पर अचानक से फोर्सफुली जा लगे, या फिर एक्सीडेंटल यानी कि जो एक्सीडेंट अचानक से कहीं पे लग गई. आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स की. तो फ्रैक्चर्स 6 तरह के होते हैं. सबसे पहला इसमें सिंपल और क्लोज्ड, कंपाउंड और ओपन. थर्ड इज़ कॉम्प्लिकेटेड. फोर्थ इज़ कम्पैक्टेड. फिफ्थ ग्रीन स्टिक. एंड सिक्स्थ कम्यूटेड फ्रैक्चर. तो आइए जानते हैं फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम. हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है? तो फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले पेन होगी उस जगह पे, टेंडरनेस होगी यानी कि डिस्कम्फर्ट फील होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ एक्टिविटी यानी कि वो हिला नहीं पाएगा पेशेंट उस अपने लिम्ब को या फिर उस साइट को. डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब यानी कि उस जगह की जो पोजीशन है उसकी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, वो अपनी जो उस नॉर्मल उसका आकार है उससे हट के नज़र आएगा. इरेगुलरिटी ऑफ बोन, और जो बोन है वो जैसे आपको नज़र आनी चाहिए वैसी नहीं, बल्कि पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर जैसा कुछ हुआ है. तो अगर हम बात करें कि जनरल रूल्स क्या हैं फ्रैक्चर के, तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए उसे इमोबाइलाइज करते हैं, यानी कि उस जगह को, उस प्लेस को हिलाना नहीं है, उसे इमोबाइल करना है. उसके लिए हम किसी बैंडेज या फिर कोई सप्लिंट का भी सहारा ले सकते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है. तो अब बात करते हैं हम एक्सीडेंट या फिर इन इंसिडेंट्स के बारे में, जो कि कॉमनली इनएक्सपीरियंस्ड या फिर यंग पेरेंट्स जो हैं जिन्हें कोई एक्सपीरियंस ना हो बच्चों का, उनके साथ हम जो है वो इंजरीज़ के बारे में उनको बताकर, एक्सीडेंट्स के बारे में बताकर एक्सीडेंट्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है. जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि इनएक्सपीरियंस है, तो आप उन्हें बच्चे को अच्छी से अच्छी केयर देने के लिए एडवाइस दें. जैसे कि आप उनको डाइट के बारे में बताएं, जंक फूड बच्चे को नहीं देना इसके बारे में बताएं, प्रॉपर एक्सरसाइज बच्चा करे, उनके साथ एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे को एनकरेज करें, प्रॉपर पोस्चर के लिए बताएं, और मेडिकेशंस अगर कोई चल रही है तो उसे टाइम पे ले और जितनी डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी टाइम पे दें, जो कि चिल्ड्रन की रिकवरी में हेल्प भी करेगा और इसके साथ रिकवरी तो जल्दी होगी ही और इमोशनली भी जो चाइल्ड है वो स्ट्रांग होगा. तो आइए अब जानते हैं कि किसी बच्चे की जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं. तो वैसे तो ये एक साइकोलॉजिकल इशूज़ ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप एक पीडियाट्रिशियन नर्स है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे के इमोशनली कंडीशन को, सिचुएशन को जाने, उसे समझे. जैसे कि बच्चे ऐसे बहुत हैं जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर
डर के मारे या आँखों उनकी आँखों में डर है किसी इंसिडेंट को लेके या किसी एक्सीडेंट को लेके उनके अंदर डर दबा हुआ है, तो आप इसके बारे में बच्चे से खुल के बात करें। जैसे कि इंसिडेंट जो कि उनके पेरेंट्स के साथ कोई हुआ हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर जो उनकी फैमिली में हुआ हो, तो ऐसे जो ट्रबल्स हैं इनमें आप किसी प्रोफेशनल की भी सलाह लेने से बिल्कुल भी घबराए मत। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉल इन प्रोफेशनल केसेस इन द केस द सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। अगर सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर है तो आप उसमें किसी प्रोफेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो एक्सीडेंट्स क्या हैं या फिर इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है या फिर इंजरी क्या है? एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द बॉडी पार्ट्स अफेक्टिंग द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। कोई भी ऐसा बॉडी का डैमेज हो जाना अचानक से जिससे बॉडी का जो फंक्शन है उस पर असर हुआ हो, ठीक है। तो इंजरीज के कई कारण हैं या टाइप्स हैं, जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल। अगर बात हम करें इनके साइन एंड सिम्टम की, तो केमिकल्स में अलग हैं जैसे कि बर्न है, पेन है। मैकेनिकल्स में पेन, डिसलोकेशन, स्वेलिंग, फ्रैक्चर, स्प्रेन और फिजिकल इंजरीज। तो अगर इंजरी हो गई है तो उसे ट्रीट कैसे करना है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चे को रीअश्योर करें, यानी कि उसे तसल्ली दें और उसे प्यार से तसल्ली दें। उसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आएं। अगर वो बैठना पसंद कर रहा है तो उसे सिटिंग पोजीशन दें। अगर उसे नहीं बैठा जा रहा तो उसे आप किसी बिस्तर पर या बेड पर कंफर्टेबल लिटा भी सकते हैं। तो जो इंजरी का कॉज है उसे आप उसे दूर हटाइए। और अगर पेशेंट या बच्चा शॉक में है तो उसे आप CPR दें। CPR कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन भी कहते हैं। बच्चे के जो कपड़े हैं, खासकर अगर गले से कॉलर बंद है तो उसका बटन खोल दीजिए, और अगर टाइट क्लॉथ्स हैं उन्हें लूज़ कीजिए। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे स्टराइल ड्रेसिंग से कंट्रोल कीजिए। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि हॉस्पिटल लेके जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम इंजरीज में इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक अकर व्हेन अ पर्सन कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द लाइव इलेक्ट्रिक वायर। जब कोई बच्चा या कोई पर्सन लाइव इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज कैपेबल का भी हो सकता है, जिससे जो पीड़ित है वो गिर भी सकता है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक शॉक की, ये कितने टाइप के हैं, तो ये दो टाइप के हैं, माइल्ड और सीवियर, यानी कि या तो माइल्ड या फिर सीवियर या फिर बहुत ज़्यादा। साइन एंड सिम्टम फेटल पैरालिसिस ऑफ द हार्ट, यानी कि अगर सीवियर है तो उसमें हार्ट का पैरालिसिस भी देखा जा सकता है। ब्रीदिंग रुक सकती है, यानी कि सांस लेना रुक सकती है। साइनोसिस हो सकता है, जिसका मतलब नेल्स, लिप्स का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, और बर्न्स भी हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक जैसी कंडीशन हो गई हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई है उसका स्विच ऑफ करें। कट आउट द करंट यूजिंग वुड। अगर कोई आपके पास लकड़ी है तो उससे पीड़ित को पीछे करें। अगर आप स्विच को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी लकड़ी की मदद से पीड़ित को उससे पीछे हटाएं, और उसे कंफर्टेबल पोजीशन दें। अगर वो होश में है तो उसे रीअश्योर करना मत भूलें, और उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की अगर ज़रूरत है तो वो दें। एक्सटर्नल कार्डियक मसाज दें। बर्न्स हैं तो उसे ट्रीट करें, और उसे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी आपको लेके जाना है। आगे बात करते हैं पॉइजनिंग की। तो पॉइजनिंग क्या है या फिर डिफाइन पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि किसी खतरनाक जो सब्सटेंस है, जो जहरीले पदार्थ हैं, अगर उन्हें
कंज्यूम कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है। और इससे जो डाइजेशन के यानी कि या फिर डाइजेशन के या फिर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, उनको डैमेज भी कर सकती है। और यहाँ तक कि जो पर्सन है वो मर भी सकता है पॉइजनिंग के साथ। तो आइए जानते हैं पॉइजनिंग के कॉजेज़ के बारे में। तो एक्सीडेंटल यानी कि जो अगर पता नहीं बच्चे को और बच्चे ने कोई टेबलेट या कोई मेडिसिन ऐसी मुंह में डाल ली तो वो है एक्सीडेंटल। सुसाइडल जो कि आत्महत्या के पर्पस से किसी ने ली हो। और होमोसाइडल। तो अब बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में है नौजिया, वॉमिटिंग, नौजिया यानी कि घबराहट होनी, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी लगनी, डायरिया, कलवलजन यानी कि दौरे पड़ने, बर्न्स ऑफ लिप्स एंड माउथ यानी कि मुंह में या फिर लिप्स में छाले या फिर जलने जैसा कुछ हो जाना, एविडेंस ऑफ द कंटेनर ऑफ पॉइजन या फिर साथ में जो पीड़ित है उसके आसपास में कोई पॉइजनिंग का कोई बॉटल या फिर कोई कंटेनर पड़ा हो। तो आगे बात करते हैं कि अगर किसी ने इंसेक्टिसाइड कंज्यूम कर लिया हो। इंसेक्टिसाइड तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें कि हम कीड़े मार दवाइयाँ बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो पीड़ित है, जो कैजुअल्टी है, उसको रीअश्योर करना है और उसको वॉमिटिंग करवानी है अगर वो कॉन्शियस है। अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसे वॉमिटिंग ना करवाएं, लेकिन अगर वो कॉन्शियस है तो उसे वॉमिटिंग करवाएं। तो वॉमिटिंग के लिए हम उसे खूब सारा नमक वाला पानी दे पीने के लिए, और या फिर उसके फेरनेक्स पे टिकलिंग करके भी हम उसे वॉमिट करवा सकते हैं, और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आप इंतज़ाम करें या फिर मैनेज करें। व्हाट इज़ ड्राउनिंग, डूबने से। तो ड्राउनिंग क्या है, जब पानी जो है वो लंग्स में डूबने के कारण चला जाता है और एयर वे में ब्लॉकेज कर देता है। इसके साथ मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर डेथ भी हो सकती है। और इसके साथ जो 3 मोड्स हैं वो ये हैं, अफिक्सिया, कॉमा और सिंकोप, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो बेहोश हो जाता है। आगे दोस्तों बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। तो आइए जाने ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग इज़ द एक्सपल्जन ऑफ द ब्लड ड्यू टू इंजरी ऑफ द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर होती हैं तो उसके रिजल्ट से जो हमारा ब्लड है वो बाहर आ जाता है, जिससे कि हम ब्लीडिंग बोलते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि इट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द ब्लड ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो आइए जानते हैं इसके साइन एंड ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम के बारे में। सबसे पहले तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट की जो स्किन है वो पेल यानी कि पीली हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। पल्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ वीक भी हो जाएगी। ब्रीदिंग बिकम शैलो यानी कि जो ब्रीदिंग है वो भी सांस गहरी नहीं ले पाएगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और प्यास भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग के बारे में। तो ब्लीडिंग के टाइप्स 2 तरह की है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो कि हमें बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन किसी इंटरनल ऑर्गन से लगातार जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, जो कि हमें नाक, कान या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें से होती है। और जो एक्सटर्नल है जो कि हमें बाहर से दिखाई जा दे दे सकती है, उन्हें हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं वूंड के बारे में। तो वूंड जो है, जब किसी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में कोई ब्रेकेज हो जाती है या फिर ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी टिश्यू, उसे हम कहते हैं वूंड। और उसमें ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी। तो आइए बात करते हैं हाइपोथर्मिया के बारे में।
हाइपोथर्मिया, वॉमिटिंग और डायरिया के बारे में। तो हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। तो इसमें बॉडी थोड़ी कूल हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली नहीं फील होता। तो इसके लिए हम जो थर्मामीटर है उसकी हेल्प ले सकते हैं और टेम्परेचर चेक करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाइपोथर्मिया है या नहीं। आगे बात करते हैं वॉमिटिंग की। तो वॉमिटिंग में जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो फोर्सफुली माउथ से बाहर आते हैं, तो उस कंडीशन को हम वॉमिटिंग बोलते हैं। और इसके साथ ही डायरिया आपको पता ही, जैसे दस्त भी कहा जाता है। तो डायरिया अगर प्रॉपर टाइम पर इसका सही इलाज ना किया जाए तो जो बच्चे हैं या कोई बच्चा है वो डिहाइड्रेटेड होके उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट करना, वॉमिटिंग का, डायरिया का इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो डायरिया के लिए हम रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं और बच्चे को रीअश्योर करना है, ORS का घोल देना है। इसके साथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या फिर बटर मिल्क भी हम दे सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े फिर भी ठीक ना हो रहा हो डायरिया, तो आप इसको बच्चे को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प या फिर डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो अगर डायरिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डायरिया है? तो इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ लूज मोशन, यानी कि जो लूज मोशन है वो बार बार होंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन जो है बच्चे को हो जाएगी, यानी कि उसके लिप्स जो हैं वो ऐसे सूखे सूखे से हो जाएंगे और स्किन भी ऐसे जैसे ओल्ड एजेस की होती है वैसे, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी जो है स्किन में वो कम हो जाएगी। अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो अगर पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हो रही है तो आप डायरिया के साथ, तो कभी भी आप खुद मेडिसिन जो है वो नहीं देंगे जब तक कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। हमेशा वही मेडिसिन दीजिए जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो या फिर डॉक्टर ने बताई हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ जनरली ऐसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक के विषय के बारे में है। व्हाट डू यू नो अबाउट पीडियाट्रिक नर्सिंग, के पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है और क्यों दी जाती है और उसके यूजेस क्या हैं? तो पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको गुड हेल्थ देने के लिए, टू प्रोवाइड गुड हेल्थ, टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट को कम करने के लिए। किसके डेथ रेट को? मदर और बच्चे के डेथ रेट को कम करने के लिए। एंड कैन रिड्यूस ट्रॉमा ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बाय हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट, टू प्रोवाइड केयर टू इल चाइल्ड, यानी कि अगर बच्चा बीमार है तो उसे केयर देने के लिए जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है दी जाती है। अगला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ केयर गिवर, कि एक जो केयर गिवर है, नैनी है, उसका क्या रोल होना चाहिए? तो केयर गिवर प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव केयर, गिव्स हेल्थ एजुकेशन, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रिवेंटिव केयर देती है, हेल्थ एजुकेशन देती है पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को, और बच्चे की हेल्थ को रिस्टोर करना और कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ बना के रखना। आगे है एंटीनेटल। तो एंटीनेटल का मीनिंग है बिफोर बर्थ, न्यूनेटल आफ्टर बर्थ से लेके जो 15 डेज तक का पीरियड है उसे हम न्यूनेटल कहते हैं। इन्फेंट, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। तो आगे बात करते हैं फॉर्मूला की। व्हाट इज़ फॉर्मूला या फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला के बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि कोई बेबी जिसे कि काऊ मिल्क से या फिर मदर मिल्क से एलर्जी हो या फिर मदर मिल्क ना हो, उस कंडीशन में हम बच्चे को फॉर्मूला देते हैं
जो कि सोया मिल्क या फिर लैक्टोजन मिल्क बेस्ड है, जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है। आगे हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ द इल चाइल्ड, जो कि एक बीमार बच्चा है उसके कॉमनली सिम्टम्स क्या होंगे। तो इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेट रहेगा। पेन होगी, पेन होने की बच्चा से एक्सेसिव क्राइंग होगी, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि या तो बॉडी टेम्परेचर हाई, उसे फीवर हो सकता है, या फिर हाइपोथर्मिया हो सकता है। और चेंजेस इन द फीड पैटर्न, यानी कि बच्चे का जो खान पान है, या तो वो खाएगा ही नहीं या फिर डाइट बहुत कम लेगा। तो आगे है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलनेस डू यू नो, कितने टाइप्स की इलनेस है बच्चों की जिसके बारे में हम जानते हैं। तो वो है कॉन्जेनिटल, यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स जिसे कि हम बोल सकते हैं, जो बाय बर्थ होती है बच्चे में। एक्सीडेंट्स, यानी कि जो किसी एक्सीडेंट के कारण हो गई हो, इन्फेक्शन के कारण हो गई हो, जिसे कि इन्फेक्टिशियस बोलते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में माल न्यूट्रिशन है, जिसमें बच्चा या तो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा या फिर बीमार, बार बार बीमार होने की वजह से वो माल नरिश्ड हो रहा है। और दूसरा मलिग्नेंसी, या फिर ट्यूमर, या फिर कैंसर। तो आइए अब बात करते हैं हाउ विल यू मैनेज पेन इन चाइल्ड, अगर बच्चा पेन में है तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन दे, यानी कि बच्चा जिस तरह से कंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर वो बैठना कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसे बिठा दे, और अगर वो लेटना कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसे लेटा दे। ट्राई टू रिमूव पॉसिबल रीजन, अगर जिस वजह के कारण बच्चे को पेन हो रही है या उसे तकलीफ हो रही है, उस रीज़न को आप हटाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कई बार बच्चे की पैंटी का इलास्टिक टाइट होने की वजह से बच्चे को पेन होती है, तो इन बातों को आप ध्यान रखें। या फिर बच्चे को गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो अगर ठंड लग रही है तो उसे आप ब्लैंकेट से कवर करें, और अगर गर्मी लग रही है तो उसके लिए आप उसे जो कूल एटमोसफेयर है वो दें। आप बच्चे को बिहेवियर, बच्चे का जो बिहेवियर है उससे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बच्चे को, और अगर बच्चा इरिटेट है या फिर उसकी मूवमेंट में कोई रिजिडिटी है तो प्लीज़ डॉक्टर से जल्दी आप कांटेक्ट करें। और इसके साथ ही हम बात करते हैं कि एक पीडियाट्रिक नर्सिंग की आज के जो दिनों में क्या इम्पोर्टेंस है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि वो मदर और फैमिली को एजुकेट करती है टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखे, और अगर कोई हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं फैमिली में तो उन्हें उन कॉजेज़ को स्टॉप करें। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग फर्स्ट एड, जो कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चनिंग है, वो टॉपिक समाप्त होता है। और अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।